नमस्ते, मैं न्यूट्रिशनिस्ट अवंती देशपांडे, एक पीसीओएस और एक गट हेल्थ एक्सपर्ट। आज का वीडियो मेरे 40 प्लस सहेलियों के लिए है। क्या आपको लगता है कि 40 प्लस क्रॉस करने के बाद आपके बाल काफी झड़ रहे हैं, पतले भी हो रहे हैं और फ्रिजी भी हो रहे हैं? तो चलिए फिर आज के वीडियो में जान लेते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है और इसको डाइट के साथ कैसे मैनेज करें। बालों का झड़ना या फिर पतला हो जाना या फिर फ्रिजी हो जाना, इसके तीन मुख्य कारण है 40 प्लस के बाद में। पहला तो कारण है कि हम जब यंग रहते हैं तो हमारा सेल रिजुविनेशन काफी फास्ट हो जाता है, लेकिन 40 के बाद थोड़ी सी बॉडी की एजिंग की शुरुआत हो जाती है, इसीलिए वो रिजुविनेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसी की वजह से न्यूट्रिशन 100% नहीं मिलता है। दूसरी बात है, 40 के बाद प्री मेनोपॉजल स्टेज कहा जाता है, मतलब अगर 50 इयर्स पे आपको अगर मेनोपॉज होने वाला है तो 40 इयर्स से ही इस प्रोसेस की शुरुआत हो जाती है। प्री मेनोपॉजल कंडीशन में ईस्ट्रोजन के लेवल्स हर साल कम होते जाते हैं। जब ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाते हैं तो हमारे बोन्स में जो कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन होता है वो भी कम होता जाता है, और इसकी वजह से बालों का पतला होना या फिर झड़ना नजर आता है। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो यंग एज में भी दिखाई देती है वो है डेफिशिएंसीज। अब ये डेफिशिएंसीज कौन सी है? आयरन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब जो कम मात्रा में हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, जैसे कि आयरन है, जिंक है, क्रोमियम है, इसकी अगर डेफिशिएंसीज नजर आए तो भी बालों का झड़ना या फिर पतला होना हो जाता है। तो चलिए फिर जान लेते हैं कि इसके लिए आप डाइट में खास क्या कर सकते हो। तो पहले ये जान लेते हैं कि पेरीमेनोपॉजल या प्री मेनोपॉजल कंडीशन में जहां ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होते जाते हैं, उसके लिए आप डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हो। ईस्ट्रोजन की लेवल्स कम होते जाते हैं और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स भी कम होते जाते हैं, ये दो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है। तो अगर ईस्ट्रोजन की लेवल्स धीरे धीरे करके कम करनी है, एकदम से कम नहीं करनी है, तो आपको डाइट में लेग्यूम्स या फिर स्प्राउट्स का इंक्लूजन ज्यादा करना है। कौन से लेग्यूम्स ज्यादा इंक्लूड करने हैं? तो वो है चिक पीज या फिर छोले। तो आप इसका हमस बना सकते हो, या फिर आप जो नॉर्मल छोले खाते हो खाने में वो भी खा सकते हो, या फिर आप उसको सैलड्स में भी इंक्लूड कर सकते हो। इसके साथ में स्प्राउटेड मटकी है, मूंग है, इसको भी आप डाइट में थोड़ा सा इंक्रीज कंजम्पशन कर सकते हो। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा धीरे से कम हो जाए, इसके लिए आप कोशिश करें कि मैग्नीशियम रिच फूड्स आप आपके डाइट में इंक्लूड कर लें। इसमें कौन सी चीजों में मैग्नीशियम हाई है? तो पंपकिन सीड्स में मैग्नीशियम हाई है, आलमंड्स में हाई है, और स्पिनच मतलब पालक में भी मैग्नीशियम हाई है। तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप ये सब चीजों का इंक्लूजन ज्यादा से ज्यादा आपके डाइट में कर लो। जैसे कि मैंने बोला, ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होने की वजह से कैल्शियम का डिप्लीशन भी होता है। तो 40 प्लस ऑफन मैं रेकमेंड करती हूँ कि महिलाओं को कैल्शियम की टैबलेट्स शुरू करनी चाहिए, उसके साथ साथ कैल्शियम रिच फूड्स भी आपके डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि दही जो हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम है, उसके साथ में तिल के सीड्स है, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, लीफी वेजिटेबल्स मतलब जो हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, पालक, मेथी, कोलोकेशिया या फिर आलू की सब्जी, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो डाइट में। तो डाइट जहां तक हो सके आप होम कुक्ड फूड्स ज्यादा खा ले, बैलेंस न्यूट्रिशन ज्यादा ले ले, ताकि आपके ईस्ट्रोजन की लेवल्स धीरे धीरे कम हो, प्रोजेस्टेरॉन भी बरकरार रहे और उसके साथ में कैल्शियम भी मेंटेन रहे। ड्रमस्टिक भी कैल्शियम रिच है, इसका उपयोग आप आपके दाल्स में कर सकते हो या फिर उसका सूप बना सकते हो, या फिर मोरिंगा लीव्स मतलब ड्रमस्टिक्स के जो लीव्स रहते हैं वो भी काफी हाई रहते हैं कैल्शियम में, उसका उपयोग आप आपके स्मूदीज में कर सकते हो। चलिए तो फिर अभी बात करते हैं कि आपके बालों को एकदम हेल्दी बनाने के लिए क्या न्यूट्रिएंट्स आवश्यक है। पहला बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है बायोटिन। ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है और ये आपको एग्स में काफी मात्रा में मिल जाएगा, लेकिन आप अगर वेजिटेरियन हो तो फिर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वेजिटेरियन फूड्स में भी बायोटिन रहता है, जो के है मशरूम्स, बनाना और ब्रोकली। बालों को घना करने के लिए ये भी न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी जो कि कोलाजन प्रोडक्शन में मदद करता है, तीसरा है विटामिन डी,
चौथा है विटामिन ई, फिर है आयरन, जिंक और प्रोटीन। चलिए तो फिर देखते हैं एक आसान रेसिपी जिससे आपको ये सभी न्यूट्रिएंट्स एक ही जगह मिल जाए। एक ब्लेंडर ले लीजिए, उसमें डालिए पालक, गाजर, बीटरूट, पम्पकिंस या फिर आलमंड्स के सीड्स और ब्लेंड कर लें। ब्लेंडिंग के टाइम आप उसमें एक कप पानी भी डाल सकते हो। ब्लेंडिंग हो जाए तो आप एक ग्लास में डाल दीजिए और उसमें नींबू निचोड़ के ले लीजिए। अगर आपने इसको छाना नहीं तो और भी बेहतरीन होगा, आपको फाइबर भी मिल जाएगा। अगर आप ये जूस एवरी डे ब्रेकफास्ट के टाइम या फिर सुबह के टाइम कंज्यूम करेंगे तो आपको अपने आप सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जो आपके बालों को घना करने में काफी मदद मिल जाएगी। इसके साथ में आपको लंच या फिर डिनर में एक कटोरी स्प्राउट्स लेना है जो कि आप सैलड्स में डाल सकते हो या फिर उसकी सब्जी बना के भी खा सकते हो। आपको दिन भर में 5 servings ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं जो कि कच्चे फल के तौर पे है या तो फिर सैलड्स है या तो फिर कुक सब्जीज है, इस पे भी आपको जरूर ध्यान देना है। इसके अलावा आपके जो कुछ भी हेयर केयर प्रोडक्ट्स है वो भी ऊंचे दर्जे के होने चाहिए ताकि आपके बालों का झड़ना एकदम ही थम जाए। उम्मीद है आपको ये भी है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप दी गई टिप्स यूज करोगे और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखोगे कि आपको क्या फर्क पड़ा। चलिए तो फिर अगली बार मिलते हैं एक नया कोई हेल्थ टॉपिक लेके। तब तक नमस्ते।